इसलिए मैं नहीं बोलता कि 8 ही है, क्योंकि है तो 20+, तो टेंशन मत। चलो ठीक है सर, आर बोलो। सर सर आरसीबी के सर अलावा सर दूसरे दूसरे में सर सेल मेम्ब्रेन के साथ सेम होता है क्या सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भाग सेम होता है सर? जैसे सर प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, सेम होता है? सबके अंदर सेम होता है, बस परसेंटेज अलग अलग होते हैं। बोला था ना, सबके अंदर में बनावट सेम होगा, हाँ प्रोटीन, सर कार्बोहाइड्रेट, समझे लिपिड, सर, बस परसेंटेज अलग है। हाँ सर कौन बदमाशी कर रहा, रुको अभी तो। चलो अब हम लोग आगे स्टार्ट करें। चलो अभी हमें पढ़ना है बच्चा, लिपिड क्या होता है ये एक्चुअली में केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा और जूलॉजी में भी पढ़ना है, दो दो बार पढ़ना है। बॉटनी में तो नहीं पढ़ना था फिर भी बता रहा, बॉटनी में नहीं पढ़ना था फिर भी बता रहा लिपिड क्या होता है। ध्यान से देखना बच्चा, थोड़ा सा 10th क्लास वाला केमिस्ट्री याद देखिए। इसका नाम है बच्चा LOL CH2OH, जिसमें OH होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। नाम सुना है ना एल्कोहल का? ये है बच्चा CH OH और ये है बच्चा CH2OH। जहां भी बच्चा कोई भी मॉलिक्यूल्स में OH होगा उसे हम लोग एल्कोहल कहेंगे। इस एल्कोहल का नाम ग्लिसरॉल है, शायद कभी आपने नाम सुना। ये बच्चा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ठीक है। कितने फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल वाले? एक, दो और तीन, ठीक। अब क्या होगा, एल्कोहल है, इधर बच्चा है फैटी एसिड। फैटी एसिड सर ये क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था बच्चा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसी तरह से फैटी एसिड है, उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH। ये बच्चा एक फैटी एसिड है, एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, आपने पढ़ा है। इसी तरह से एक और फैटी एसिड ले लेते हैं, यहां भी फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH OH। इसी तरह से बच्चा यहां भी एक और फैटी एसिड ले लेते हैं और यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। बोले ठीक है सर। अब क्लास 10th का एक चीज बता रहा हूं, तुमने पढ़ा हम लोग एसिड बचा एसिड और एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे, यानी जोड़ रहे हम लोग एसिड और एल्कोहल को, एसिड और एल्कोहल को बच्चा आपस में रिएक्ट कर रहे। देखो ना, वाटर निकल गया ना, एसिड और एल्कोहल को आपस में जोड़ रहे, वाटर निकल गया ना, तो ये एक बॉन्ड बनेगा जिसे कहते हैं बच्चे लोग एस्टर बॉन्ड, EESTER। याद कीजिए, एस्टर नाम सुना था, जो फ्रूट यानी कि जो फल होते हैं उनके तरह मीठा होता है सूंघने में, स्मेल में ना। इसी तरह से देखिए बच्चे, यहां पर एसिड एल्कोहल वापस रिएक्ट कर गया एस्टर, एसिड एल्कोहल वापस रिएक्ट किया एस्टर। अब जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है बच्चा, यही है आपका लिपिड, यही है बच्चे लोग लिपिड, जिसको हम लोग कहेंगे ट्राई, क्योंकि तीन बार एस्टर बना ग्लिसरॉल के साथ, तो नाम पड़ा ट्राई ग्लिसराइड, ट्राई ग्लिसराइड, ट्राई ग्लिसराइड। ट्राई मतलब तीन, ग्लिसरॉल ने तीन एस्टर बॉन्ड बना लिया, ट्राई ग्लिसराइड। यानी कि मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो लिपिड में दो पार्ट, एक पार्ट बच्चा OH वाला, एल्कोहल वाला, एक पार्ट बच्चा लोग एसिड वाला C डबल बॉन्ड OOH ना। तो यहां पर एसिड एल्कोहल आपस में कंबाइन कर गए, बाइंड कर गए, एसिड एल्कोहल आपस में रिएक्ट कर गए, वाटर निकल गया और बन गया क्या, एस्टर, एस्टर। तो इसी एस्टर को ना, इसी एस्टर को हमने लिपिड कह दिया। क्या कह दिया बच्चा? लिपिड कह दिया, याद रहेगा। अब ध्यान से सुनना, इसे को बच्चा हमने लिपिड कह दिया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, आज बच्चा नया चीज पढ़ रहे, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हम लोग नया चीज पढ़ रहे। अब जो फैटी एसिड है, जो बच्चा फैटी एसिड है उसके अंदर में बच्चा ढेर सारे कार्बन होंगे। फॉर्मिक एसिड नहीं है कि एक ही कार्बन होगा, एसिटिक एसिड नहीं है बच्चा दो ही कार्बन होंगे,
18 हो सकते हैं, 20 कार्बन हो सकता है बेटा, 22 हो सकते हैं, बहुत सारे कार्बन होते हैं फैटी एसिड में ना। तो अगर इसके अंदर में बच्चा कार्बन 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 केवल सिंगल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर सिंगल सिंगल कार्बन है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो सैचुरेटेड। लेकिन अगर बच्चे लो कार्बन कार्बन बहुत सारे कार्बन है ना, 18, 20, 22 हो सकते हैं, और उसमें बच्चा डबल बॉन्ड आ गया, देखिए ना डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसे कहेंगे बच्चा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर बच्चा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा हो गया, तो नाम देंगे बेटा फूफा, फूफा, मूफा, फूफा या मूफा। सर ये क्या है सर, फूफा मूफा क्या आ गया? अगर एक से ज्यादा, अगर बच्चा एक से ज्यादा ना डबल बॉन्ड आ गया तो पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा हो गया ना, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से, कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार बता रहा हूं, बहुत काम आएगा। जो बेटा सैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे बेटा सॉलिड होते हैं, ऐसा लिपिड जिसमें फैटी एसिड सैचुरेटेड वाला होगा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, जैसे बेटा घी, घी, जैसे बेटा डालडा, डालडा, जैसे कि बटर, ये बेटा सैचुरेटेड वाले है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये हेल्थ के लिए बच्चा अच्छा नहीं होता, हार्ट के लिए खराब है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन ये बच्चा अनसैचुरेटेड वाले, अनसैचुरेटेड वाले रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे, लिक्विड होंगे, लिक्विड होंगे, इसे ऑयल कहेंगे। जैसे बच्चा आप जो तेल खाते, तेल जो आप खाते हैं बच्चा, तो ये बच्चा कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड, ये हेल्थ के लिए अच्छा। जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा उसे बच्चा फैट्स कहेंगे, फैट्स कहेंगे, और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है उसे बेटा ऑयल्स कहेंगे। तो लिपिड के दो टाइप्स, अच्छा वाला कौन है बेटा, ऑयल खाइए, इसलिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, डॉक्टर बोलता है बच्चा घी डालडा बंद करो, क्या खाओ, फूफा लो, फूफा लो, तेल खरीद करके खाओ फूफा वाला। बोले सर फूफा, कभी बच्चा अपने जो घर में तेल आता है, तेल का डब्बा, उसके पीछे के साइड में देखना, वहां पर लिखा रहेगा फूफा है, घर में जो तेल आता है ना उसके पीछे में लिखा रहता है, हाई फाई वाले में, सिंपल वाले में नहीं, हाई फाई में थोड़ा लिख देते फूफा, यानी वहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना है, हेल्थ के लिए अच्छा है। ध्यान से सुन, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, तो सर लिपिड समझ में आ गया सर, लेकिन चक्कर ये है सर, फॉस्फोलिपिड क्या होता है? आपने बोला फॉस्फोलिपिड, लिपिड तो समझ में आ गया सर, वो पढ़ना था बच्चा कहां, लिपिड कहां पढ़ना था बच्चा, जूलॉजी में, जूलॉजी में पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ना है, और मैंने सारा फिगर जूलॉजी का बना था, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, चलिए सीख लिया, अच्छी बात है। हमें सीखना है फॉस्फोलिपिड, सर फॉस्फोलिपिड कैसे बनेगा, चलो सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां पर ग्लिसरॉल बनाया बच्चे लो, CH2OH, CHOH, कितने अल्कोहल है, तीन है ना, तीन अल्कोहल वाले ग्रुप है CH2OH। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, यहां क्या आया, फैटी एसिड, फैटी एसिड, एसिड वाला पार्ट, एसिड वाला पार्ट आपस में बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया एस्टर, यहां बच्चा फैटी एसिड, फैटी एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां पर एस्टर बना लिया। लेकिन जो तीसरा बच गया बच्चा, थर्ड वाला बच गया, वहां फैटी एसिड नहीं आएगा, वहां आएंगे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट आएगा बच्चा, फॉस्फेट, फॉस्फेट आएगा। अब बताओ, हमने लिपिड में फॉस्फोरस जोड़ दिया,
हमने बेटा लिपिड में फॉस्फोरस जोड़ दिया तो क्या फॉस्फोलिपिड नाम नहीं पड़ेगा, हमने फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस को जोड़ा तो ऐसे लिपिड को फॉस्फोलिपिड कहेंगे। जूलॉजी में ये फिगर बनाने के लिए आता है, नीट के एग्जाम में दिया रहेगा, बताइएगा कौन करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो यहां फॉस्फोरस जोड़ दिया, फॉस्फोलिपिड बन गया। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बना रहे, स्ट्रक्चर बना रहे, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा फॉस्फोलिपिड में एक पार्ट आता है, इसे कहते हैं हेड। ऊपर में एक पटा आएगा वर्ड, इसका नाम होगा बच्चा हेड। ठीक है सर, हेड कौन है बता दो ना। ये पूरा पार्ट, चलो ये देखो रेड वाला बना, ये पूरा पार्ट हेड बन जाएगा, ये पूरा पार्ट बच्चा। ये बच्चा बन गया हेड, इस पे चार्ज है, ये पोलर कहलाएगा। जिस पे चार्ज होता है ना उसे पोलर कहते हैं, पोलर कहते हैं। इस पे चार्ज है, पोलर कहलाएगा। और देखिए ध्यान से, ध्यान से, ये देखो फैटी एसिड, ये देखो फैटी एसिड, ये दोनों बच्चा टेल बनाएंगे, टेल बनाएंगे। तो टेल कितने हो गए बच्चा, दो हो गया। कितने टेल है, दो। ये एनसीईआरटी में गिवन है, अपने बारे में सोचो ना, एक हेड है और दो पैर है, पैर की जगह टेल मान लो, तो तुम्हारे पास एक हेड दो पैर यानी टेल मान, तो कितने टेल है, दो। और ये टेल बच्चा कोई चार्ज नहीं है, इसे कहते हैं नॉन पोलर। चार्ज नहीं है, इसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर। फिर से सिखा देता हूं, फिर से सिखा देता हूं, कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि नया चीज चल रहा है, ध्यान से समझिएगा तभी तो मजेदार बनेगा। रटना नहीं है ना हमें, हमें रटना नहीं है बच्चे। ध्यान से देखिए फिर से, सबसे पहले फॉस्फोरस वाला पार्ट हेड बन गया, हेड बन गया, हेड बन गया। हेड पे क्या है, चार्ज है, चार्ज वाले को कहते हैं पोलर। ये आप केमिस्ट्री में सीखिएगा बच्चा, पोलर क्या होता है। जो पोलर होता है ना, जिसपे चार्ज होता है ना, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पानी में घुल जाता है, पानी से लव करता है, प्यार करता है। तो नाम पड़ा हाइड्रोफिलिक, फिलिक। ये बायो में कई बार आएगा। हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, पानी से लव कर रहा है, पानी की तरफ जाना चाहता है। हाँ हेड क्यों, क्योंकि वो पोलर है, चार्ज है, चार्ज है तो वो पानी में घुलना चाहता है। चलिए अब टेल पार्ट, ये बच्चा टेल है, फैटी एसिड वाला पार्ट टेल है, दो टेल है। टेल कैसा है बच्चा, कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो ये पानी से डरता है, नफरत करता है, पानी से नफरत करता है। नाम पड़ा, नाम पड़ा हाइड्रो, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, फोबिया। जिसको बेटा कुत्ता काट लेता है रेबीज, तो उस आदमी को पानी देखता ही डरने लगता है। सुना होगा गांव में, पानी भी नहीं देखना चाहता है, पानी से भी डरता है, फोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला, हाइड्रोफोबिक, पानी को लव करने वाला, हाइड्रोफिलिक। तो बताओ Each phospholipid is made up of two parts, one head, two tail. Head जो है hydrophilic है, head hydrophilic है और tail hydrophobic है। तो phospholipid में पानी को attract करने वाला भी है और पानी से दूर जाने वाला भी है, दोनों है, इसलिए से कहते हैं amphipathic, amphipathic, amphi का मतलब both, बोथ, पैथिक मतलब नेचर, दोनों नेचर का है। इसके अंदर में फिलिक भी है, वाटर से लव करने वाला भी है, और फोबिक भी है, वाटर से दूर जाने वाला भी, दोनों नेचर का है, दोनों नेचर का है। वाटर की तरफ जाने वाला भी नेचर है कुछ, और वाटर से दूर भी भागता है। तो आज आप एनसीईआरटी में जब पढ़िएगा तो डरना नहीं है। पिछले क्लास में आपको बोला था ना, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया था ना, ऐसे ही तो बनाता था। अब समझ में आया, ये बच्चा फॉस्फोलिपिड। चलो किसी किसी यहां तक क्लियर होगा, देखिएगा आसाम में फिर से लेक्चर देखेंगे, 100% क्लियर, 100% क्लियर हो जाएगा।
क्यों डर लगता है? देखो बता दो, ध्यान से देखो, जिस पे चार्ज होता है, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज ले लो पानी में डालो घुल जाएगा, सोडियम पोटेशियम डालो इलेक्ट्रॉन पाउडर ले लो, उसमें सोडियम पोटेशियम ही तो होते, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, डाला पानी में घुल गया, दिखता है क्या? दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि वो चार्ज है, पोलर है। डालडा ले लो, घी ले लो, बटर ले लो, पानी में डालो, क्या घुलेगा? क्या बेटा घर में जो तेल है दो बूंद डाल दो पानी में, क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर होते। चलिए ना, तो चलिए यहां तक मेरे में से क्लियर है आप लोगों को? हाँ, सोप मॉलिक्यूल की तरह होता है रस्सी, तुम ये अच्छा बताए, ये तुमने टेंथ में पढ़ा होगा, दोनों है ना, सोप वाला नेचर, करेक्ट करेक्ट, ये पढ़ा तो है तुमने टेंथ में, सोप वाला साबुन में इसी तरह का होता है नेचर, याद आ रहा है किसी को? टाइम कितना हो गया भाई, क्लास है क्या? अब कितने बजे से क्लास है तुम्हारी, बोलो फटाफट, क्लास है अभी? नहीं है, ठीक है। ठीक है ठीक है, तो क्या करते हैं, जान सकते 10 मिनट्स बता देते हो, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में छुट्टी कर दूंगा, लो बैटरी। तो एक काम करते हैं, मैंने सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड किया है, पहले का लेक्चर है, यहां तक तो आज तक समझ में आ गया ना? सेकेंड जो पार्ट है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें एक्सप्लेन किया है, उसका मैं रिकॉर्डेड पार्ट दे देता हूँ, रिकॉर्ड कर लिया हूं, बस तुम्हें दे दूंगा, पहले का है वो पार्ट दे देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, उसे आप बच्चा शाम में देखिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, एनसीईआरटी का हर लाइन क्लियर हो जाएगी, उस पार्ट को देखना है, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना है बच्चे, एक बार एनसीईआरटी को पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़ने में 10 मिनट्स, एनसीईआरटी पढ़ने में 10 मिनट्स, क्यों? एक पेज तो है, अरे एक ही पेज तो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही पेज तो है केवल, ठीक है? तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, और बच्चा आप 30 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, 30 क्वेश्चन आप पियर्सन से बना दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, इतना कर लोगे? बोलो, रिकॉर्डेड लेक्चर अभी 5 मिनट में भेज दूंगा, ठीक है? अलग पार्ट, ये पार्ट तक तो समझा दिया, एक अलग पार्ट जिसमें आगे का पार्ट बताए, आराम से देख लेना, दोपहर में देखना, शाम में देखना, एनसीईआरटी पढ़ने में 10 मिनट्स, फिर बच्चा आज असाइनमेंट बनाना है, क्योंकि आज असाइनमेंट फिर नहीं बनेगा, अगर मैं लेक्चर नहीं दूंगा फिर असाइनमेंट छूट जाएगा, फिर तुम क्वेश्चन आज कर नहीं पाओगे, दिक्कत ये बात है, तो कर लोगे? ठीक है, मैं लिख दूंगा 82 110 बनाना, कितना बनाना, मैं देखता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कितने क्वेश्चन है। हाँ, डॉक्टर अली से भी बनेगा, धड़ल्ले से बनेगा, टेंशन मत लो, डॉक्टर अली से भी बन जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर वो लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है? तो ज्यादा बेटर हुआ है, ठीक है, कि अभी सैचुरेट में भी हो गया, तुम भी हो गए, तो बेटर है कि आप उस लेक्चर को भी मैं भेज देता हूँ, उसको देख करके असाइनमेंट कर लीजिएगा, अगर लेक्चर नहीं दिखेगा तो फिर असाइनमेंट नहीं हो पाएगा, फिर मजा नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो, किसी को आज से डाउट है तो पूछ लो, आज वाले में डाउट है तो पूछ लो। चलो मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ फिर एंड करता हूँ, 5 क्वेश्चन पूछता हूँ एंड करता हूँ। चलो बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल? चलो, बेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस साइंटिस्ट ने दिया था? बेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस साइंटिस्ट ने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, बेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है? ये बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा नेचर का होगा, सॉलिड लिक्विड या फ्लूइड नेचर का, जेल नेचर का? फ्लूइड मतलब ना सॉलिड है ना लिक्विड है, दोनों का बीच का, ठीक है? तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़िएगा बच्चा, वो फ्लूइड नेचर का है, क्यों समझिए? हेड ये बेटा टेल है फैटी एसिड का, फैटी एसिड यहां पास कैसे वाले, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कैसे सिंगल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड, और दूसरा वाला टेल बच्चा कैसा है, डबल बॉन्ड वाले,
तो बताइए ना, ये हो गया अनसेचुरेटेड। तो ये बोलेगा मैं लिक्विड नेचर बनाऊंगा, मैं लिक्विड बनाऊंगा, और ये बोलेगा मैं सेचुरेटेड हूं, मैं सॉलिड बनाऊंगा। तो सॉलिड प्लस लिक्विड बीचों बीच का बन गया, फ्लूइड बन गया, फ्लूइड बन गया, जेल बन गया, तो टेंशन नहीं। चलिए ठीक है, अब बताइए इच फॉस्फोलिपिड इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी हेड, हाउ मेनी टेल, इच फॉस्फोलिपिड इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, इच फॉस्फोलिपिड इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी हेड, हाउ मेनी टेल, वन हेड टू टेल। चलो अगर 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 फैटी एसिड सैचुरेटेड होगा तो लिक्विड बनेगा, सॉलिड बनेगा, सैचुरेटेड होगा तो, अगर फैटी एसिड यानी टिल सैचुरेटेड होगा तो सॉलिड बनेगा, अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा तो लिक्विड। व्हाट इज पूफा, डॉक्टर बनोगे जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है उसको बेटा दिया जाता है पूफा, पूफा थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च कीजिएगा पूफा के बारे में, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड उसमें ज्यादा होता है। हाँ पूफा मूफा सेम है, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड, मूफा मल्टीपल अनसैचुरेटेड, मल्टी अनसैचुरेटेड। चलिए ठीक है, तो हम लेक्चर को डाल देंगे, आप बचा सारे के सारे क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डॉक्टर ली से और पियर्सन के बुक से बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि शायद कल छुट्टी रहेगी मुहर्रम की, शायद कल छुट्टी रहेगी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वेस्ट हो जाता तुम्हारा ना, तो छुट्टी है तो बच्चा तुम्हें पढ़ाई तो करना है। चलिए ठीक ठीक है, बाय।